ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਖਾਦੀ ਸੀਗੀ ਨਾ ਤਾਜ਼ੀ ਖਾਦੀ 5 ਦਿਨ ਤੱਕ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕੁਝ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲਿੰਬਾ ਪੋਚੀ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਆਣੇ ਫੇਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ 3rd ਟਾਈਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀਗੀ ਤੀਸਰੇ ਨਿਆਣੇ ਦੇ ਬਰੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨਸ ਆ ਗਈਆਂ ਸੀ ਪਰ ਮੇਰੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਫੈਲੋ ਆ ਇਹਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਖੁਦ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਵਰਡਸ ਦੱਸੀ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਬੋਲੀ ਡਾਕਟਰਸ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਵੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰੋ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਬਜੈਕਟ ਆ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਆ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੋ ਔਰ ਕਹੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਹੋ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਰੋਂਦੇ ਨਾ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਆਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹਾਈ ਹਾਈ ਨਾ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਪਰ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੋ YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा सच्ची प्रभु ने बहुत सोच के अपने लोकां नूं भेड़ां दा दर्जा दित्ता है पर चंगी गल यही है कि जे असी भोले बन के रहांगे तां असी भलियाईयां नूं देखांगे हालेलुया पर वचन दे विच इदां भी लिखिया आ कबूतरां वर्गे भोले ते सप्पां जहे होशियार भी रहना आ हालेलुया क्योंकि परमेश्वर जी दे शब्द दे विच ही सामर्थ्य आ इस गल नूं ध्यान दे नाल समझ लवो और इस गल नूं अपने हिरदे दीआं तख्तियां दे उत्ते लिख लवो कि परमेश्वर जी दे वचन दे विच सामर्थ्य आ और हर ओह शब्द जिहड़ा परमेश्वर जी दे वचन दे विच दर्ज आ उस शब्द दे विच तुहाडा जीवन आ उस शब्द दे विच मेरा जीवन आ क्योंकि वचन दे विच प्रभु येसु मसीह जी दे मूँह दे शब्द आ कि मनुख सिर्फ रोटी दे नाल नहीं पर हर उस शब्द दे नाल जिंदा रह सकदा जिहड़ा परमेश्वर दे मुख तो आ हालेलुया पाओ परमेश्वर तो आ जिहड़ा शब्द और पूरा पवित्र शास्त्र पूरी पवित्र बाइबल जिहड़ी आ परमेश्वर दे आत्मा तो आ पाव परमेश्वर तो आ इहदा मतलब इहदा एक एक शब्द साडे लई जीवनदायक आ हालेलुया आओ आपां देखदे आ पवित्र बाइबल दे विचों यर्मियाह दी किताब उहदा 30 नंबर अध्याय ते उहदी 17 नंबर पंक्ति दे विच इहदा लिखिया है क्यों जो मैं तेनूं नरोया करांगा मैं तेरे फट्टां नूं वल करांगा यहोवा दा वाक है हालेलुया इस कन्फ्यूजन विच्चों तां निकल जाओ कि पता नहीं परमेश्वर जी मैनूं चंगा करना चाहुंदे वी आ कि नहीं पर परमेश्वर जी चाहुंदे आ कि तुसीं चंगे हो जाओ क्योंकि हरेक बाप अपनी औलाद नूं तंदुरुस्त देखना ही चाहुंदा है हालेलुया तां इत्थे प्रभु दा वाक आ कि मैं थानू नरोया करांगा और ये वाक परमेश्वर का वादा विखाउंदा है साडे लई परमेश्वर के प्रोमिस नू प्रगट करदा और परमेश्वर के दिल नू साडे लई प्रगट करदा है और इत्थे लिखिया यहोवा का वाक है भाव अकाल पुरख परमेश्वर जी के मूँह का शब्द आ की शब्द आ मैं थानू नरोया करांगा परमेश्वर के वचना नू अपने मूँह तो बोलो और परमेश्वर के वचन नू मैडिटेट करो चेते रखो ध्यांदे रहो केड़े वचन क्योंकि वचन दे विच लिखिया आ कि तुसी अपने यहोवा परमेश्वर की उपासना करो ते चंगे होण दा तरीका नंबर दो की आ कि असी अपने परमेश्वर की महिमा करनी आ अपने परमेश्वर की वडियाई करदे रहना आ अगर तुसी अपने परमेश्वर की महिमा करोगे अगर तुसी अपने परमेश्वर की वड्याई करोगे अगर तुसी अपने परमेश्वर दियां सिफतां करोगे अपने परमेश्वर का मतलब ये नहीं कि तुसी किसे भी लकड़ के टुकड़े की जां पत्थर के टुकड़े की नो पर मैं पवित्र बाइबल दे विच दर्ज परमेश्वर सेनावां दे यहोवा परमेश्वर की गल करदी हाँ और प्रभु येसु मसीह जी की गल करदी हाँ
क्योंकि तुसी पवित्र बाइबल दे विच्चों बयान किए हुए शब्दों सुन रहे हैं। तो इतने लिखा तुसी अपने यहोवा परमेश्वर की उपासना करो। अगर तुसी शिफा पाना चाहते हैं तो अपने परमेश्वर के नाल समा बतीत करना शुरू करो। अपने परमेश्वर नूं धन मुबारक कहना शुरू करो। अपने परमेश्वर दीआं सिफतां दे गीत गाने शुरू करो। अपने परमेश्वर दे सामने बैठ के ऑल द टाइम रोंदे ना रहा करो, ऑल द टाइम हाय हाय ना करदे रहा करो, पर अपने परमेश्वर दी वड्याई करो। ये एक बहुत ही सीक्रेट जिदा भेत कह सकते हैं तुसीं, ये एक जबरदस्त भेत आ, गुज्जा भेत आ। और सुनन नूं अजीब लगदा कि एक बंदा दुखी आ और वह किद्दां परमेश्वर की वड्याई करे। मैं नहीं जानदी किद्दां वड्याई करे, पर मैं जानदी हाँ कि अगर पवित्र बाइबल दे विच लिखिया आ ते वड्याई करन दे नाल डेफिनेटली तुसी परमेश्वर दे कोलों ओ हासिल कर सकदे आ जो हाए हाए करके तुसी कदी भी नहीं लै सकदे। जिहड़ा हाए शब्द आ ओह सराप दा शब्द आ, ओ लानत वाला शब्द है, ओ खराब इंसान वास्ते, खराब काम वास्ते, किसे भी खराब चीज वास्ते, किसे खराबी नू संबोधन करन दे लई वर्त्या जांदा हाए। ते तुसी कदी परमेश्वर दे अगे ए नहीं कह सकदे हाए रब्बा तू ए की कीता, नहीं। पर हमेशा तुसी ओदी उपासना करनी आ, ओदी महिमा करनी आ, ओदी सिफत करनी आ के हे सतगुर परमेश्वर जी, सच्चे परमेश्वर जी, एक तुसी ही हो जो मैनू इस बिपता दे विच्चों बाहर कढ सकदे हो। जदों तुसी इस शब्द का इस्तेमाल करदे हो कि प्रभु जी सिर्फ तुसी ही हो, तां तुसी ओदी उपासना करदे आ, तुसी परमेश्वर जी नू महिमा दिंदे आ, क्योंकि तुसी दसदे आ कि होर कोई तेरे समान तेरे तुल नहीं आ। और मेरा भरोसा है कि प्रभु तुसी ए करन दे योग्य परमेश्वर हो। तुसी ओदे एक भी सवाल का जवाब नहीं दे सकते, इसलिए अपने आप नू मास्टर ना समझो कि तुसी ओदे कोलों सवाल करो। पर तुसी जो भी थोड़ा सब्जेक्ट आ, जो थोड़ा विषय आ, जो थोड़ी प्रेयर रिक्वेस्ट आ, वह परमेश्वर जी दे अगे रखो और कहो कि प्रभु सिर्फ तुसी ही हो जो मैनू इस संकट विच्चों बाहर कढ सकदे हो। और प्रभु मेरा भरोसा है कि तुसी जरूर कढ सकदे आ। अगर मेरी जिंदगी दे विच कुछ गलत आ तां प्रभु प्लीज़ मैनू उस गलत दे विच्चों बाहर कढो। तुहानू पता जदों एक दुष्ट आत्मा का जकड़िया होया लड़का सीगा, तो प्रभु येसु मसीह जी ने उत्थे कहा कि जे कुछ कर सकते हैं तो प्रतीत करो। तो उस लड़के दे पिता ने की कहा सी, कहिंदा हे प्रभु मेरी बेप्रतीति दा इलाज कर। तो अगर थानू लगता कि तुसी विश्वास दे विच उस लैवल ते नहीं आ जेड़ा विश्वास बरकत दे दरवाजियां नू खोल दिंदा आ, जेड़ा विश्वास शिफा दे दरवाजियां नू खोलदा आ, जेड़ा विश्वास साइंस एंड वंडर्स नू जन्म दिंदा आ, चिन्ह ते चमत्कारां नू लैके आउंदा आ, अगर तुहानू लगदा कि तुसी उस विश्वास दे लैवल दे विच नहीं आ, तां सब तो पहला यही प्रार्थना करो कि हे प्रभु मेरी बेप्रतीति दा इलाज करो। प्रभु मेरी बेप्रतीति जांदी रहे, मैं प्रतीत करन वाला हो जावां। प्रभु जी मेरे अंदरों हर शक नू दूर कर दियो, प्रभु जी मेरे अंदरों हर वहम नू दूर कर दियो, क्योंकि मैं जानदा हां कि पवित्र शास्त्र दे विच जिथे भी बरकत मिली, जिथे काम होया, तुसी ये क्या तेरे विश्वास ने तेनू चंगा कीता। अगर तुसी किसी की भी मदद करते हैं, सिर्फ मैं चर्च की गल नहीं करती, पर अगर तुसी अपनी जिंदगी विच किसी गरीब भैन भरा की मदद करते, गरीब मीन टू से कि जिन्हों जरूरत आ, अगर तुसी उन्हूं वो चीज़ दिने आ जेड़ी खराब आ, कि तुसी तुहाडे घर च मठियाइयां पईयां, पांच सत्त दिन वो डब्बा पिया रहा, उन्हूं उल्ली आउण दे दिन आ गए, हुण तुसी क्या चलो जी ये ना इन्हां नूं दे दो, साडे न्याणे खाणगे तां बीमार हो जाणगे। तुसी तां चंगी खाधी सीगी ना, ताजी खाधी पांच दिन तक, हुण तुहानूं लगे खराब हो जाएगी, तुहाडे बच्चे ना बीमार हो जाण, तुसी वो किसे नूं दे दित्ती? तुसी इसलिए दित्ती कि वह खराब होने वाली आ, जां उहदे चों कुछ खराब हो गया, उन्हूं बाहर कढ के उन्हूं लिंबा पोची करके दे दिता, थोड़े न्याणे फिर बीमार हो गए। क्यों? क्योंकि थोड़ी नीत खराब सी,
थोड़ी नीत साफ नहीं सी, तुसी तो बहुत इंटेलीजेंट आ, पर मत भुलो कि जेड़ा पाई पाई का हिसाब रखता उन्हूं सारा ही पता है। फिर घरां दे विच बच्चे अपाहज पैदा हो जाते हैं, आफ्टरऑल कित्यों तो वह करस आया, कित्यों तो वह सराप आया। असीं खराब चीज़ां परमेश्वर ने सानू चंगियां दित्तियां, असीं खराब चीज़ां परमेश्वर दे आखे लग के दूजियां नूं दिंदे आ। कि परमेश्वर ने सानू कहा कि जदों तुसीं वंडो खराब वंडो, फिर तुसीं कहिंदे परमेश्वर ने कहा गरीबां दी मदद करो, अनाथां ते विधवां नूं दिओ। परमेश्वर दे मोदी खानियां दे विच चीज़ां लैके आओ, तुसीं इसे लई लैके आउंदे ना क्योंकि परमेश्वर दे वचन दे विच लिखिआ आ। इसे लिए तुसीं किसी की मदद करदे क्योंकि परमेश्वर दे वचन च लिखिआ। पर परमेश्वर दे वचन च किते नहीं लिखिआ कि जिहड़ियां तुहाडियां रहीआं खोईआं चीज़ां आ ओह दिओ। अगर देना तो उत्तम दिओ, क्योंकि अगर तुसीं चाहुंदे तुहाडी सेहत उत्तम होए, तुसीं बिल्कुल फिट होवो, तंदुरुस्त होवो, ना लक च पीड़, ना लत च पीड़, ना सिर च पीड़, ना बाह च पीड़, ना खून की कमी, ना निगाह की कमी, कोई चीज ना बदे ना कटे, पर तुसी एन हेल्दी होवो, बिल्कुल तंदुरुस्त होवो। अगर तुसी चाहुंदे तुहाडे घर दीआं चीज़ां खराब ना होन, टुटण ना, भज्जण ना, तुहाडे बच्चे तंदुरुस्त रहन, उत्तम चीज़ां वंडणियां शुरू करो, उत्तम चीज़ां होणियां शुरू हो जाणगीआं तुहाडी लाइफ दे विच प्रभु यीशु मसीह दे नाम दे विच। वचन च लिखिआ मंगो ते तुहानूं, तुहानूं पता आ ते मंग लिया करो। पूरे छे दिन मंगो ते सतवें दिन तक इंतजाम होएगा कि नहीं होएगा, ते फिर मंग लिया करो। तो अज तो यह एक्सक्यूज बनाना बंद कि मैं इसलिए नहीं आता क्योंकि मेरे को किराया नहीं होंदा। पर अज तो साढ़े वर्ड्स की होने चाहिए आ, प्रभु अगर तुसी मैनू चाहते कि मैं थोड़ी हैकल दे विच बैठ के थोड़ा वचन सुना, तो तुसी मेरे लिए इंतजाम करते आ क्योंकि तुसी इंतजामी परमेश्वर। हाँ हालेलुया, तुसी इंतजामी परमेश्वर हो। प्रभु अगर तुसी चाहते मेरे बच्चे भी जान, तो तुसी मेरे बच्चों के लिए भी उदे नाल ही इंतजाम करते हो। अगर तुसी चाहते असी फैमिली सारी जाइए, तो सारी फैमिली के किराए के लिए इंतजाम करते हो, साड़ी फैमिली के लिए साधन का इंतजाम करते हो। हालेलुया, तो जदों तुसी इदा कहोगे ओ सच्ची इंतजामी परमेश्वर आ, वो थोड़े लिए इंतजाम करेगा प्रभु यीशु मसीह के नाम के। असी देखते हैं जबूर 118 ते ओदे 17 नंबर पंक्ति दे विच इत्थे लिखिया मैं मरांगा नहीं सगों मैं जियांगा अते यहोवा दे कम्मां दा वर्णन करांगा। हालेलुया, एह मेरी फेवरेट वर्ड्स आ क्योंकि इस वर्ड्स दे राही परमेश्वर ने मैनू जीवन दिता आ, अते आज परमेश्वर की दुआसी तुहाडे सामने खड़ी है। हालेलुया, करके जदों मेरी थर्ड टाइम डिलीवरी होने वाली सीगी तीसरे न्याणे दे बरी, तो उदों बहुत कॉम्प्लीकेशनस आ गईयां सीगीयां, और मेरी डॉक्टर नूं पता है कि यह क्रिश्चियन फैलो आ, इन्हें प्रार्थना करनी आ, तो मैं ऑपरेशन थिएटर दे विच सीगी, तो उन्हें मैं प्रार्थना करन दे लई टाइम दिता, तो मैं कुछ नहीं समझ आ रहा सी कि मैं की प्रार्थना करा, कि मैं अपने न्याणियां लई प्रार्थना करा, अपने फैमिली दे लई प्रार्थना करा, जां खुद लई प्रार्थना करा, मैं की प्रार्थना करा। तो उस वेले पवित्र आत्मा ने मैनू यही वर्ड्स दसी सी, और मैं बोली, मूँह तो बोली, डॉक्टर्स की टीम दे विच यही वर्ड्स बोली सी, मैं मरांगी नहीं सगों जियांगी अते यहोवा दे कम्मां दा वर्णन करांगी। हालेलुया, तो मेरी डॉक्टर कहती असी तेनों बढ़न थोड़ी लगे हाँ, तो वह हसे सी, पर उन्होंने पता सीगा कि क्यों आ। और सचमुच परमेश्वर ने इस वचन दे उत्ते आशीष पाई, इन वर्ड्स दे उत्ते आशीष पाई, और परमेश्वर ने मैनू मरण नहीं दिता, पर उन्हें मैनू थोड़े बेच जिंदा रखिया अपनी महिमा दे लई। हालेलुया,